इंदौर में मौजूद चिंतामणि गणेश मंदिर 300 वर्षों से भी अधिक पुराना है। इंदौर में मौजूद भगवान गणेश का यह होलकर कालीन प्राचीन मंदिर लोगों की आस्था का केंद्र है। सबसे विशेष बात यह है कि यह एकमात्र मंदिर है जहां मंदिर के गर्भगृह में एक साथ दो गणपति विराजते हैं। मंदिर के गर्भ में दो गणपति की मूर्तियाँ एक साथ विराजमान हैं, जिनमें एक प्रतिमा की सूंड बाईं ओर और भगवान की दूसरी प्रतिमा की सूंड दाईं ओर है। मंदिर के मुख्य पुजारी ने बताया कि यह गणेश मंदिर 300 वर्षों से भी ज़्यादा प्राचीन है। जो एकमात्र गणेश मंदिर है जहाँ भगवान गणेश की दो प्रतिमाएं एक साथ विराजमान हैं, जिनकी अद्भुत सुंदरता को भक्त निहारते ही रह जाते हैं। उन्होंने बताया कि प्राचीन समय से ही मंदिर के बारे में मान्यता है कि मंदिर में हल्दी की गठान चढ़ाने से हर मनोकामना पूरी होती है। उन्होंने बताया कि यह मंदिर होलकर कालीन है, इससे लोगों की भारी आस्था जुड़ी हुई है। मंदिर में हल्दी की गांठ चढ़ाने की परंपरा भी काफ़ी प्राचीन है। पंडित जी, काफ़ी प्राचीन गणेश मंदिर है और शायद एकमात्र ऐसा गणेश मंदिर है जहां गणेश जी की जो दो प्रतिमाएं हैं वो एक साथ विराजमान हैं। क्या कुछ महिमा है मंदिर के बारे में बताइएगा। महिमा तो बहुत सारी है भैया, जैसे जो भी मनोकामना होती है अपनी वो पूर्ण होती है। और भगवान जैसे सीधी सुन और उल्टी सुन, सीधी सुन वाले गणेश जी की प्रतिमा की पूजा जो थोड़ी मुश्किल होती है, अच्छा, उल्टी सुन वाले गणेश जी की प्रतिमा थोड़ी आसान होती है। अच्छा, ऐसा क्यों पंडित जी? ऐसा वो पुराने समय से चला आ रहा है इसके कारण। अच्छा अच्छा, मंडी पंडित जी कितना प्राचीन मंदिर है? कम से कम इसको 300 साल तो हो गए होंगे। 300 साल? हाँ, क्योंकि ये आंटी जी जो सामने खड़े हैं आपके, अच्छा, 2 साल तो इनको यहाँ रहते रहते हो गए। अच्छा, उनके परिवार को। हाँ हाँ, तो ये अहिल्या देवी के कालीन का मंदिर, देवी के टाइम पे होलकर कालीन मंदिर। हाँ। जी, तो पंडित जी मंदिर के बारे में कुछ विशेष मान्यता क्या यहाँ चढ़ाना पड़ता है तो मनोकामना? बहुत सारी चीजें, जैसे हल्दी की गठान चढ़ाने से मनोकामना पूर्ण होती है अपनी। अच्छा। हाँ। हल्दी की गठान चढ़ाने से, हल्दी की गठान चढ़ाने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण। हाँ, जो भी आपकी मनोकामना है। ठीक है पंडित जी, एक बार नाम बताइए। विकल्प संतोष कुमार पाठक। आप मुख्य पुजारी हैं? हाँ, दो भैया हैं। पहले मुख्य पुजारी तो हमारे पापा थे, पर उनका स्वर्गवास हो गया है तो अब हम देखरेख करते हैं। जी जी।